हेलो गाइस, कैसे हो सारे यार। आज आपका भाई लेके आ चुका है बहुत ही उम्दा वीडियो। तो गाइस, आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ पोजैप लॉन्चर के कस्टम कंट्रोल्स। और गाइस, मतलब फिलहाल मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन गाइस वो एक पार्टिकुलर वीडियो नहीं है, उसमें मैंने और भी मतलब हिडन फीचर्स के बारे में बताया है पोजैप लॉन्चर के। तो इसलिए मैं आज इस पर पर्सनल वीडियो बना रहा हूँ। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक कर देना और चैनल को भी जल्दी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस यार, बहुत बंदे को मतलब प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो तुरंत ही मतलब पॉकेट एडिशन से जावा एडिशन आए हैं, इसलिए उनको बहुत ही प्रॉब्लम होता होगा। इसलिए मैं आज उनके लिए लेके आ चुका हूँ कस्टम कंट्रोल्स, वो भी पोजैप लॉन्चर के लिए। और गाइस, अब जिनको नहीं पता पोजैप लॉन्चर क्या होता है, तो सिंपली उन्हें बता दूँ कि पोजैप लॉन्चर के हेल्प से आप मतलब माइनक्राफ्ट जावा एडिशन खेल सकते हो अपने एंड्रॉयड में। साथ ही साथ आपको गाइस आज बताऊंगा कि आप मतलब एक्स्ट्रा बटन जैसे जूम बॉर्डर चंक बॉर्डर कैसे ऐड कर सकते हो अपने पोजैप लॉन्चर के कस्टम कंट्रोल्स में। इसके लिए गाइस आपको क्या करना होगा, वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको बता दूं कि कुछ मेरा ग्लिच के कारण कुछ लैंग्वेज डिफरेंट हो गया है, लेकिन कोई नहीं गाइस, आपको मैं कोई भी दिक्कत होने नहीं दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कोई भी ऑफलाइन अकाउंट से लॉग इन कर लेना है। उसके बाद सिंपली ये यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा वर्जन के नीचे, इस पर सिंपली आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मतलब कस्टम कंट्रोल भाई, इस पर क्लिक कर दो। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, अभी तो आपका कोई भी बटन हिलेगा नहीं अपने जगह से, तो सिंपली इसे हिलाने के लिए आपको सिंपली पहले तो करना क्या होगा, उस पर एक बार टैप करना होगा और यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर देना होगा। और सिंपली का आपको यहाँ डायनेमिक पोजिशन ऑफ कर देना होगा। आप देख ही सकते हो यार, ये हिल रहा है और अपने आप मनपसंद जगह पे अपने मतलब इसे सेट इजली कर सकते हो। तो सिंपली इसे भी पहले हम मतलब इसका भी डायनेमिक पोजिशन ऑफ करके इसे भी इस जगह पे मतलब लगा देते हैं और थोड़ा नीचे, और ये हाँ अब ठीक है। तो सिंपली कहा अभी इसे भी इन्वेंट्री आपका मतलब आप चाहते हो कि बिल्कुल ही पॉकेट एडिशन हो जाए तो यहाँ पे इन्वेंट्री भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पॉकेट एडिशन में यहीं पे इन्वेंट्री लगता है। उसके बाद सिंपली इसे पहले हम मतलब साइड कर देते हैं माउस को। और गाइस यहाँ पे अब आपको बताऊंगा कि कैसे आप न्यू बटन मतलब न्यू बटन अपने ऐड कर सकते हो अपने कस्टम पोजैप लॉन्चर के कस्टम कंट्रोल्स में। सिंपली आपको यहाँ पे राइट स्लाइड करना होगा और यहाँ पे ऐड लिखा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर दो। और ये देख सकते हो राइट कॉर्नर में सिंपली आ चुका है एक न्यू बटन का, न्यू मतलब नाम का एक बटन आ चुका है। तो सिंपली इसके लिए सिंपली आपको की कोड वाले जगह पे आपको सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आप स्विच कैसे स्विच वाला मतलब आपको ऑप्शन बताता हूँ। तो सिंपली इसके लिए आपको की कोड F सेलेक्ट करना होगा, फिर सिंपली नेम दे देते हैं। आप नेम कुछ भी दे सकते हो, नेम से मतलब नहीं है, नेसेसरी है वो की कोड भाई। मतलब ये जो F मैंने लिया है इससे सिर्फ स्विच ही होगा, आप कोई भी नेम दे दो भाई साहब। तो सिंपली गाइस इसे अपने मतलब जगह पे आप लगा लेना। तो सिंपली मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद गाइस आपको लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे आप इसे सेव करोगे और कैसे इसे अप्लाई करोगे अपने मतलब कस्टम कंट्रोल्स पोजैप लॉन्चर के। तो सिंपली इसके आप बताता हूँ आपको जूम के लिए सिंपली आपको की कोड सेलेक्ट करना होगा सी भाई साहब, सी कहाँ है भाई। और गाइस ये मतलब पहले इसे नाम दे देते हैं जूम, ये दे देते नाम से भाई कोई मतलब नहीं है, मैंने बस ऐसे ही आपको याद रहे कि ये जूम है। तो सिंपली इसी ऐसे ही नाम सिंपली की कोड सी दे दिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो सिंपली इसे थोड़ा देख ही सकते हो गाइस, अपने आप मन से सेट कर सकते हो इसका साइज। और यहाँ पे सबसे पहले इसे यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद सिंपली आपको बताता हूँ कि बहुत सारे मतलब पॉकेट एडिशन खेलने मतलब पॉकेट एडिशन में चंक बॉर्डर का मजा लेने के लिए गाइस सभी लोग क्या एडन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपली आपको एक बटन मिल जाता है चंक बॉर्डर के लिए। तो सिंपली पहले इसे करना होगा आपको एडिट, और एडिट पे पहले इसे बॉर्डर नाम दे देते हैं। और एक बार फिर आपको बता दूं कि नाम से कोई मतलब नहीं है यार, नाम तुम कुछ भी दे दो यार, कोई भी मतलब नहीं है। अब भैया मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, भोसरा क्या बात है, छोड़ो यार बॉर्डर लिख लेते हैं हम। और ये क्या लिख रहा हूँ भाई, हाँ तो सिंपली इसके लिए आपको की कोड मतलब सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सब में डिफ़ॉल्ट होम रहेगा, आपको सिंपली यहाँ पे जी सेलेक्ट कर लेना होगा बॉर्डर के लिए। और सिंपली आपको बता दूँ कि जो मतलब मैंने की कोड बताया है तो सिंपली वही की कोड सेलेक्ट करना मतलब फंक्शन के लिए। अगर जूम में आप जी सेलेक्ट कर लोगे, जूम बटन में नेम तो आप जूम दोगे लेकिन
कोड आप अगर चंक बॉर्डर वाला सेलेक्ट कर लोगे तो सिंपली आपको वहाँ पे बॉर्डर काम करेगा। और सिंपली गाइस यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो यार, इसका भी हम डायनेमिक पोजीशन पहले यहाँ पे सेट कर देते हैं। और आप आपको बताता हूँ कि कैसे आप मतलब अपने कस्टम कंट्रोल्स को सेव कर सकते हो। तो सिंपली गाइस पहले इस यहाँ पे पहले लगा देते हैं। चलो कोई नहीं, अब आपको बताता हूँ, इससे भाई कुछ भी नहीं हो रहा यार, छोड़ो हटाओ यार। सिंपली अब आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपने कस्टम कंट्रोल को अपने पॉजिटिव लॉन्चर में सेव कर सकते हो। तो सिंपली इसके लिए सिंपली मतलब क्या बोल रहा हूँ यार, आपको करना क्या होगा, राइट स्लाइड करना होगा और यहाँ पे सेव का बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा। और सिंपली अब आपको करना क्या होगा, सिंपली कोई भी नाम दे देते हैं और कुछ भी ये दे दिए, आप कोई भी नाम दे सकते हो यार, कोई नेसेसरी नहीं है। और सिंपली उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख ही सकते हो यार TR/B। चलो कोई नहीं, होता है कुछ, कभी कई बार ग्लिच हो जाता है भाई। और ये B.Jones पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे देख ही सकते हो यार अप्लाई हो चुका है। और सिंपली चेक करने के लिए सबसे पहले गाइस हम करते हैं यहाँ पे मतलब चलते हैं अपने पोजेम लॉन्चर में। गाइस कुछ ये मतलब डाउनलोड वगैरह हो रहा है यार, डाटा वगैरह, तो सिंपली आप थोड़ी देर में हो जाएगा। तो हटाओ यार इसे, स्किप करते हैं भाई, हटाओ यार। गाइस देख सकते हो यार क्या ही बात है यार, हमारा मतलब कस्टम कंट्रोल हो चुका है। और गाइस क्या ही बात है यार, तो चलो यार यही था का वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को दो सब्सक्राइब, वीडियो को दो लाइक, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। चलो यार मिलते हैं सब वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।